हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपने जब ये थंबनेल देखा होगा तो आपको क्या लगा होगा? आंसू देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा, क्या विचार आए होंगे, या कौन सी तस्वीर आपके सामने आई होगी? दोस्तों, आंसू जैसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? किसी का रोता हुआ चेहरा या किसी का दुखी चेहरा, यही आता है ना हमारे उसमें पहली नज़र में, जो हम सोचते देखते हैं तो यही आता है। तो दोस्तों, क्या ऐसा है? आंसू केवल दुख ही व्यक्त करते हैं? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आंसू तो खुशी के भी होते हैं और गम के भी होते हैं। मतलब कि आंसू हमारे खुशी में भी निकलते हैं और गम में भी निकलते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आंसू होते हैं ना, वो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हम आंसुओं के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हम किसी व्यक्ति के आंसू देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति खुशी है या दुखी है, यही ना दोस्तों? तो हमारी भावनाएं ही तो पता चलती हैं दूसरे व्यक्ति को इन आंसुओं से। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह से बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ पूरी तरह से ख़राब नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती ही होती है। पर दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं समाज में, धारणा ऐसी बन गई है कुछ चीज़ों के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, या कुछ शब्दों के प्रति, कि वो जब हम उनका नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बस वो एक वही छवि आती है कि नहीं, अगर आंसू हैं तो कोई व्यक्ति दुखी होगा। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, आंसू हर सिचुएशन में आते हैं हमारे। हम जब खुश होते हैं तब भी आते हैं, दुखी होते हैं तब भी आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी वो केवल केवल खराब नहीं हो सकती। उसका एक दूसरा पक्ष भी होगा, जो कि वो कहीं ना कहीं उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। हर चीज़ में दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति में केवल बुराई नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति में केवल कोई अच्छाई नहीं हो सकती। हाँ, परसेंटेज का अंतर हो सकता है कि बुराई ज़्यादा है कि अच्छाई ज़्यादा है, पर होती ज़रूर है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आप इन चीज़ों का कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करें। जब भी आप किसी चीज़ को, किसी के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में सुने सोचें, तो उसके बारे में खुद से समझें कि क्या वास्तव में ऐसा है। और दूसरी बात दोस्तों, कि अगर आपसे कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं, तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी ही कमी थी, मेरे ही अंदर कमी थी, मुझसे ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें हम अपने आप को दोष देने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी परिस्थिति के लिए आप पूरी तरह से स्वयं को दोष कभी भी मत दें, क्योंकि कोई भी परिस्थिति अगर है, या आपसे कोई गलती हुई, या आपकी वजह से किसी से संबंध खराब हुए, आपकी वजह से किसी से झगड़ा हुआ, तो उसमें केवल आपकी गलती नहीं हो सकती है, केवल आपकी गलती नहीं हो सकती, उसमें दोनों पक्ष कहीं ना कहीं गलत होते हैं। बस उसमें भी प्रतिशत का अंतर होता है कि कौन ज़्यादा गलत है और कौन ज़्यादा थोड़ा कम गलत है, बट गलत दोनों होते हैं। तो आप कभी भी किसी चीज़ के लिए आप अपने को दोष मत दें दोस्तों, कि ये ऐसा है तो मेरी वजह से हुआ या मेरे वजह से होता है, और लोग रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करें दोस्तों, अपने आप को कभी दोष मत दें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती इंसानों से ही होती है। कहते नहीं, जो घोड़े पे चढ़ेगा वही गिरेगा। इसका मतलब है कि जो कुछ करेगा ही नहीं तो गलत कहाँ से होगा, संबंध कहाँ से खराब होंगे, किसी के साथ झगड़ा कहाँ से होगा। इसका मतलब है कि आप जिससे भी आपके संबंध खराब हुए, जो भी हुए, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, आप उसके लिए कुछ कर रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन शायद समझ में अंतर हो गया या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि वो गलत हो गया, जो आपने चाहा सोचा वो नहीं हो पाया। तो इसलिए दोस्तों, कभी अपने आप को ब्लेम मत दें। और दोस्तों, कहते ना, ये आंसू बहुत कीमती होते हैं, इनको यूं ही नहीं जब चाहा जाया कर दिया, इनको भी आप संभाल के रखो,
हर चीज़ अपने आप में कीमती होती है, और ये आंसू खुशी के पल के लिए आप संभाल के रखो। खुशी के पलों में भी इन आंसुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। दुख में तो ये हमें काम आते ही आते हैं आंसू। एक तो हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं आंसुओं के द्वारा, जिससे लोगों को पता चल जाता है, और दूसरा दोस्तों ये आंसू एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपके अंदर किसी भी तरह का जो भी टेंशन गुबार जो भी होता है, अगर हम रो देते हैं या आंसू निकल जाते हैं तो ये हमारे मन को बहुत शांत करते हैं। इसलिए इन आंसुओं की ज़रूरत हमें होती है। ऐसा नहीं कि आंसू सिर्फ बुरे ही हैं, हमें मानसिक शांति देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, या कुछ दिमाग में चल रहा होता है, या कुछ हमारे साथ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो कई बार क्या होता है हमारे पास उस टाइम जब हमें सलूशन नहीं दिखता ना, तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं। पर वो आंसू अगर निकलते हैं तो दोस्तों उनको निकलने दीजिए, क्योंकि वो उन आंसुओं का निकलना उस टाइम ज़रूरी है। अगर वो उस टाइम आपके आंसू नहीं निकले, वो अंदर ही रह गए, तो वो आपको और कष्ट देंगे। इससे अच्छा है कि जिस टाइम वो निकल रहे हैं आप उनको निकल जाने दीजिए, और आप देखना कि जब आप आंसू निकल जाते हैं, आप अच्छे से रो लेते हैं, तो आपको काफ़ी हल्का महसूस होने लगता है, और आपका दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है कि जो भी परिस्थिति, जो भी स्थिति है, हम उससे कैसे निपटें या उसको कैसे संभालें, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो दोस्तों ये आंसू निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों देखते होंगे ना कि किसी किसी के तो आंसू निकलते भी नहीं, बहुत मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जल्दी से आंसू नहीं आते उनको, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल्दी से ना आए आंसू। एक ह्यूमन नेचर होता है, कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई देर में होता है, किसी के जल्दी आ जाते हैं, किसी के मतलब देर में आते हैं, पर ये अच्छी चीज़ है, आंसू निकलना अच्छी बात है। तो दोस्तों ये गम की बात हो गई कि ये हमें कितना अंदर से मतलब शांत करते हैं, जो हमारे अंदर की भड़ास होती है, जो भी उल्टा सीधे अच्छे गलत सही विचार आ रहे होते हैं वो निकल जाते हैं आंसुओं में। कहते नहीं सब कुछ इन आंसुओं में बह गया, तो वो अच्छा होता है किसी किसी परिस्थिति के लिए। और दोस्तों कई बार क्या होता है हमारे घर में या हमारे पास या अपने पर्सनली इतनी खुशी आ जाती है, इतनी खुशी आ जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर मतलब उस खुशी को भी हम नहीं संभाल पाते, और वो खुशी भी हमारे आंखों से आंसू बनकर निकल जाती है। होता है ना दोस्तों, जैसे किसी का बेटा है, मान लो तैयारी कर रहा था, पढ़ लिख रहा था, किसी बड़े पोस्ट पर पहुँच गया, कुछ हो गया, तो आप सोचो जो पहुंचा उसके भी, और जो उसकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, परिवार, माता पिता, वो भी, उनके भी आंसू आ जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें, आंसू बुरी चीज़ नहीं है, मतलब ये हमारी खुशी के भी साथी हैं और दुख के भी साथी हैं। तो आंसुओं को आप केवल गलत मत लीजिए, तो ये हमारी खुशी को भी व्यक्त करते हैं, और हमारी खुशी भी आंसुओं से निकलती है, और हमारा गम भी इन्हीं आंसुओं से निकलता है। तो दोस्तों कहते नहीं कभी हम बोलते ना कि बोलते हैं कि अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये मेरी आंखों में आंसू तो हैं, बट ये खुशी के आंसू हैं। तो खुशी के आंसू के साथ हमारे फेस का एक्सप्रेशन अलग होता है। जब हमारे आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं तो हमारे फेस पे स्माइल होती है, हम खुश होते हैं। और दोस्तों जब गम होता है या हम दुखी होते हैं तो आंसू तो निकलते हैं, पर हमारे फेस का ये एक्सप्रेशन नहीं होता, वैसा होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आंसू हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, तभी तो लोगों को पता चल जाता है। तो दोस्तों ये आंसू, अगर लोग ये कहें आपसे कि मैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि लोग इमोशनल होकर बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी आँख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तो दोस्तों ऐसा कभी किसी को मत बोले कि मैं तुम्हारी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा। आंसू गलत नहीं होते, आंसू आने चाहिए, चाहे खुशी में हो चाहे गम में हो, ये अच्छी चीज़ होती है। मतलब आंसू निकलना हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। अगर आंसू बने हैं, उनको आंखों से निकलने के लिए बनाया है गया है, तो उनका कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में अच्छा रोल है, तभी वो निकलते हैं, ऐसे नहीं बहेंगे। और आंसू नहीं आने दूंगा का मतलब, इसका मतलब कि हमारे जीवन में ठीक है आप दुख मत आने दो, लेकिन इसका मतलब आप खुशी भी नहीं आने दोगे भाई। आंसू तुम्हारी खुशी में भी निकलते हैं, तो आप किसी को भी जब भी ये बोलें कि तुम्हारी आंखों में आंसू, या आप भावना बस प्यार में जब हम किसी को ज़्यादा लगाव करते हैं, हक करते हैं, तो बोल देते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तो दोस्तों आप ये आप पास रहिए, प्यार करिए, सब कुछ करिए, बट कभी ये मत बोलिए कि नहीं मैं तुम्हारी आँख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आंसू आने दीजिए, क्योंकि हर इंसान हर समय खुशी नहीं हो सकता और हर समय दुखी नहीं हो सकता। कभी लाइफ है, कभी इंसान खुश होता है, कभी दुखी होता है, तो खुशी में भी आंसू ज़रूरी हैं, और वो भी भावना व्यक्त करते हैं कि हम आज खुश हैं। और
कभी कभी दुख भी आते हैं हर इंसान, क्योंकि जीवन है सब कुछ लगा ही रहता है सुख दुख, तो दुख में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आंसू। तो इसलिए आप कभी किसी को ये मत बोलना कि आंसू नहीं आने दूंगा। आंसू आना अच्छी बात है दोस्तों, बट समाज में छवि ऐसी बन गई है तो लोग बोल देते हैं कॉमन शब्द कि मैं आंसू नहीं आने दूंगा। दोस्तों इसलिए इन आंसुओं को कभी आप गलत अर्थ में ना लें। इनके हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो ये आंसू भी उसी तरह से हैं कि समाज में इनकी धारणा गलत बन गई कि किसी की आँख में आंसू है तो हमें लगता है कि दुखी होगा या उसे कोई परेशानी होगी, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी कभी वो खुशी के भी आंसू होते हैं। तो आप इन आंसुओं की कद्र कीजिए और इन आंसुओं को संभाल के रखिए, क्योंकि ये आपको और आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और हमें इनकी ज़रूरत जीवन में पड़ती ही पड़ती है। ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इनको संभाल के रखना चाहिए। तो दोस्तों आप इनको संभाल के रखिए। और आंसू आप जिसको भी बहुत प्यार करते हैं या जिससे बहुत लगाव रखते हैं तो उसके आँख में आंसू आने देना, पर खुशी के आंसू। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग ना एक काम और करना मेरे लिए, कि अगर आप कर सकते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ बुरी लगती है, जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को और आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।